उड़ीसा एक युवक की होम क्वारंटाइन के दौरान मौत हो गई, तो वहीं एक युवती की बीमारी के दौरान मौत हो गई। दोनों की मौत की खबर सुनते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों के घरों में पहुंचकर शवों का सैंपल लेकर कोरोना की जांच के लिए भेज दिया है। बता दें कि काशीपुर के जसपुर खुर्द निवासी एक युवक का दिल्ली में इलाज चल रहा था, जो मंगलवार शाम अपने घर लौट रहा था, जिसे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होम क्वारंटाइन कर दिया था, जिसकी आज सुबह मौत हो गई। वहीं काशीपुर के टांडा उज्जैन निवासी एक युवती का खांसी जुकाम को लेकर काशीपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसकी आज सुबह बीमारी के दौरान मौत हो गई। दो लोगों की मौत की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों के घरों में पहुंचकर शवों को एक कमरे में सुरक्षित रख दिया और दोनों के ब्लड सैंपल को कोरोना जांच के लिए भेज दिया गया है। कोविड 19 के नोडल अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कल शाम को देवेंद्र सिंह 29 साल का लड़का है, वो अपने माता पिता के साथ दिल्ली से कल शाम को यहीं अस्पताल में पहुंचा। जब रजिस्ट्रेशन कराने तो मुझे सूचना दी गई कि वो थोड़ा बीमार है। जब मैंने एक्चुअली उनके फादर से बात करी तो वो बता रहे थे कि उसको लीवर किडनी की भी प्रॉब्लम है, थोड़ा हार्ट की भी दवाई चल रही है। वहाँ पे अग्रसेन हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा था 4-5 दिन। शनिवार को अब उसको डिस्चार्ज मिला है, तो हम उसे घर लेके आए। तो मैंने जहाँ तक उसको होम क्वारंटाइन करवा देने की राय दी और उसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया। अभी उनके पिताजी से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि 12-1 बजे तक हमारी लड़के से रात को उनके साथ ही सोया था और 3 बजे तक लड़का एकदम ठीक था। 5:30 बजे जब माताजी उठी घर की साफ़ सफाई के लिए तो उन्होंने लड़के को हाथ लगाया तो वो ठंडा पड़ा हुआ था। तो यही सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि माइल्ड कार्डियक अटैक हो, लेकिन दिल्ली से वो आया है और मल्टी ऑर्गन फेलियर की बात बताई उन्होंने, तो इसलिए हम शक के तौर पर उसका कोरोना की जाँच करवा रहे हैं। और दूसरा जो है अभी सुबह का वाकया है, एक लेडीज़ हैं 22 साल की, वो टांडा उज्जैन की रहने वाली है, स्वाति नाम की। और उनके बारे में बताया जा रहा है कि 4-5 दिन से उसको खांसी बुखार और जुखाम उखाम था, लेकिन 11-12 तारीख में हमारे यहाँ पे एमरजेंसी में दिखाने आई थी, तो हमारे यहाँ पे जो उस टाइम ड्यूटी पे डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा था कि इनको ट्यूबरक्लोसिस है और खून की काफ़ी कमी है, तो इसको बड़े अस्पताल में दिखाया जाए। 15 तारीख को वो फिर दिखाने आई तो अस्पताल के लिए उनको राय दी गई कि वहाँ पे इनको खून वून चढ़ेगा, थोड़ा इनका दूसरी तरीके से इलाज होगा। और कल वो शायद हल्द्वानी दिखाने भी गए थे और रात में वो वापस आए हैं, तो अभी सुबह वो भी एक्सपायर हो गई है, तो उस पर हमें थोड़ा शक ज़्यादा जाहिर हो रहा है, तो इसलिए उसकी भी कोरोना की जांच कराई जा रही है। शाम तक कुछ हमें पता लग जाएगा कि उनमें कोरोना संक्रमित है कि नहीं है, उसी संस्कार किया जाएगा।